बहुत पहले की बात है, दैत्य राज वृत्तासुर के मरने के बाद दैत्यों के पास उनका कोई राजा नहीं था और सारे दैत्य देवताओं से डर कर समुद्र में छुप गए थे। समुद्र में छिपे सारे दैत्य हर समय देवराज इंद्र को मारने का उपाय सोचते रहते थे। तब उन दैत्यों में से कुछ समझदार दैत्यों ने यह कहा कि देवताओं और देवराज इंद्र की रक्षा तप से होती है, इसलिए हमें सबसे पहले इस तप का ही नाश कर देना चाहिए, सभी मुनियों ऋषियों तपस्वियों का नाश कर देना चाहिए। ऐसा करने से उन देवताओं के साथ सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करने के बाद उन दैत्यों ने रात के समय समुद्र से बाहर निकलकर ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह दैत्य आश्रम में मौजूद सभी तपस्वियों और ऋषियों को मारकर खा जाया करते थे और सवेरा होते ही वापस समुद्र में जाकर छिप जाया करते थे। इस तरह दैत्यों द्वारा ऋषियों का नाश होने लगा। जब सभी देवता मिलकर ऋषियों और तपस्वियों की रक्षा नहीं कर पाए, तब सभी ने जाके भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने भगवान विष्णु को बताया कि किस प्रकार दैत्य रात के समय में समुद्र से बाहर निकलकर ब्राह्मण मुनि तपस्वियों की हत्या कर जाते हैं और दिन के समय समुद्र में जाके छिप जाते हैं। अब आप ही इन दैत्यों के विनाश का कोई उपाय बताइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि दैत्य जब तक समुद्र के भीतर हैं, तब तक तुम उनका विनाश नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें इस समुद्र को सुखाने का कोई उपाय करना पड़ेगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि हे प्रभु, इतना विशाल समुद्र किस उपाय से सुखाया जा सकता है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इस समुद्र को सुखाने में अगस्त मुनि जी के सिवाय और कोई समर्थ नहीं है, इसलिए तुम सभी देवता अगस्त मुनि जी को इस कार्य के लिए तैयार करो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सभी देवता अगस्त मुनि जी के आश्रम में आए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर अगस्त मुनि ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा कि किस कार्यवश तुम सभी देवता मेरे पास आए हो। तब देवताओं ने अगस्त जी से कहा कि हमारी इच्छा है कि आप समुद्र के सारे जल को पीकर उसे सुखा दें, जिससे हम उसमें छुपे सारे दैत्यों का नाश कर सकें। देवताओं की यह इच्छा जानकर अगस्त मुनि जी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर आ गए और उनके देखते ही देखते सारे समुद्र का जल पी गए। समुद्र का जल सूखते ही सारे देवताओं ने मिलकर उन दैत्यों का चुन चुन कर विनाश कर डाला। एक दो दैत्य जो देवताओं के हाथों से बच गए थे, वे सभी भागकर पाताल लोक में जा चुके। दैत्यों का विनाश करने के बाद सभी देवता फिर अगस्त मुनि जी के पास आए और उनकी स्तुति करके उनसे विनती की कि वह उस समुद्र को वापस जल से भर दें। तब अगस्त मुनि जी ने उन देवताओं से कहा, जो जल मैंने पिया था वह तो पच गया है, इसलिए अब मैं समुद्र को भरने के लिए जल कहां से लाऊं? अतः अब समुद्र को जल से भरने का तुम लोग ही कोई दूसरा उपाय सोचो। अगस्त मुनि की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वह सभी परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे समुद्र को जल से भरने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भविष्य में जब राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर उतारेंगे, तभी वह समुद्र जल से पूर्णतः भर पाएगा। तब तक तुम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी।